12th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी क्वेश्चन नंबर 18 शायद आप लोग सही बना है और आप लोग पूछना चाहते हैं लेकिन 18 में क्या कर रहा है 18 क्वेश्चन व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा लैम्डा के किस मान के मतलब हम लोग को लैम्डा का वैल्यू निकालना है क्या करना है लैम्डा का वैल्यू निकालना लैम्डा इक्वल टू व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज कंटीन्यूअस एट एक्स बराबर 0 माने उल्टा भाषा में बोले तो कह रहा है कि एक्स बराबर 0 पे कंटीन्यूअस है तो लैम्डा का वैल्यू निकालना इसके आगे भी क्वेश्चन है What about continuity at x equal to 1? x बराबर 1 पर आपका क्या ख्याल है अगर कंटिन्यूअस होगा तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा बात समझ में आ रही है देखिएगा हम लोग एक बात और मैं बता सकता हूँ आपको जैसे अगर 2 पे कंटिन्यूअस है बाकी पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस है बात समझ में आ रहा है इनके घर हम नहीं जा सकते हैं मतलब बाकी लोग के बारे में नहीं बोल रहे हैं मतलब बाकी के घर जा सकते हैं किसी घर जा सकते हैं रिस्ट्रिक्शन मेरा इतना ही है कि इनके घर हम नहीं जाए तो 18 क्वेश्चन पहले लिखने लीजिए कुछ और समझाएंगे हम आपको 18 संबंधी ही बातें मैंने जो बताया अभी उसमें इस बात का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा देखिएगा 18 क्या है एफएक्स का जो दिया हुआ है कितना है बोलो जरा कुछ बराबर लड़का बोलो लैम्डा इनटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स यस इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 बहुत अच्छा आकाश पासवान जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 आगे बोलिए 4x प्लस 1 4x प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देखिएगा गौर से मैंने बताया था जहां भी लैम्डा का वैल्यू निकालना हो ए का निकालना हो बी का निकालना हो यदि रिलेशन निकालना हो तो एक वो लेते हैं जिसमें लैम्डा हो और एक वो लेते हैं जिसमें लैम्डा नहीं हो जैसे कि आज लोग दोनों को कहीं जाना है तो दोनों अगर जान रहेगी तो नहीं पहुंच पाएगी एक वो जाएगी जिसको रास्ता पता नहीं है और एक तो ऐसा आदमी बोलेगी जिसको रास्ता पता है जैसे हम लोग दो कैटेगरी के लोग हैं एक हम है एक आप एक हम वो है जिसको मैथ पता है और एक आप वो है जिसको मैथ पता नहीं है एक लैम्डा वाला लेंगे तो आएगा लेस देन इक्वल टू मतलब या तो एल एच या तो वैल्यू ऑफ फंक्शन अब एक लेंगे आर एच ठीक है एक लेंगे आर एच और एक लेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन लेकिन अगर कैसा कभी ऐसा हो जाए कि जिसका पता लगाना हो वही मर जाए पता लगा पाएगा क्या मर जाए मतलब यहाँ जीरो हो जाए इसे आपको आशीर्वाद प्राप्त है आपको दुश्मन लोग बड़े तंग किए थे आप भोले बाबा का पूरा तपस्या किए और आशीर्वाद बोले कि भाई आप मांगो बल मांगो क्या मांगते हो तो बोला कि से हम सोचा कि हम तो बड़ी कमजोर आदमी हैं उठार शरीर पर किसा बड़े दिन से टूट गए हैं कि भगवान हमको ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जिसको छुए वो मर जाए तो एक भी दुश्मन बच पाएगा आपका इस दुनिया में दोस्तों नहीं बच पाएगा क्योंकि दोस्ती करने के लिए भी हाथ मिलाना पड़ता है गले मिलने पड़ते हैं दोस्ती के लिए ही केवल नहीं चुना पड़ता है दुश्मनी दोस्ती दोनों में चुना पड़ता है पर आप किसी को छू ही नहीं सकते हैं पूरी जिंदगी में तो यहाँ पर वही बात है जिसका मान निकालना है वही जीरो हो जाता है देखिएगा एक्स जीरो पर करेंगे हम लोग पहले आर एक्स निकालिए राइट हैंड लिमिट हो जाएगा रियल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स जीरो प्लस एक्स जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा हुआ है जब जीरो से बड़ा होता है तो फोर एक्स प्लस वन होता है फोर एक्स प्लस पूजा एक्स मतलब जीरो प्लस है फोर एक्स प्लस वन ये हो गया आपको लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एनी प्रॉब्लम तो एच की जगह पर जीरो डालोगे तो जाएगा फोर इंटू जीरो प्लस जीरो प्लस वन जीरो प्लस जीरो मीन्स जीरो फोर इंटू जीरो मीन्स जीरो जीरो प्लस वन मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन
मान किसका निकालना है? लैम्डा का। तो जाएगा लिमिट देना देना वैल्यू मतलब लिमिट कितने आता है डायरेक्ट जीरो। जीरो के बराबर, जीरो के बराबर तो क्या होता है लैम्डा इनटू पीछे वाला का स्क्वायर एक्स मतलब पीछे वाला माइनस टू इंटू पीछे वाला मीन्स जीरो। जीरो माइनस जीरो जीरो लैम्डा इनटू जीरो बराबर क्या हो जाएगा जीरो। अब बताओ जिसका मान निकालना तो वही मर गया तो लैम्डा का वैल्यू निकल सकता है? जीरो पर लैम्डा का कोई वैल्यू निकल सकता है? तो वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन नॉट बी कैलकुलेट। अब तू गायगा दूध गाय दूध है तेरे को सिर्फ बात करता जिसको छुएगा मर जाएगा दूध चाहिए था तो जिसको छू रहे आप वही पर जा रहा है तो लिखेंगे इसलिए वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन नॉट बी कैलकुलेटेड मान निकाला ही नहीं जा सकता है। एट एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पर निकाल सकते हैं बाकी पर कोई भी वैल्यू हो सकता है। कोई बोल रहा है वाट अबाउट एट वन एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड वन नहीं वहाँ आठ हो जाता है वही लिखते हैं हम लोग यानी एट वन एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड। ये रहा सर आपका फरमाइश क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद 21 हम तो जान ही रहे हैं जी कि आप लोग 21 पूछोगे चलो कोई दिक्कत नहीं लेकिन सारा सवाल हम लोग हमसे पूछ रहे हो 20 बन गया क्या? yes, बन गया कि नहीं बना है? किससे किससे बना है थोड़ा करो एक दो दो का खड़ा हो रहा है बाकी का नहीं खड़ा हो रहा है मतलब बाकी को विटामिन देना जरूरी है बस देखते हैं आप लोग देख लीजिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर। नॉट एट 20 नंबर कोई लड़की से नहीं बना आप लोग नहीं बनाते हो इतना अच्छा अच्छा खाना बना देते हैं लड़कियाँ तो सवाल बनना चाहिए जी सब बोली आप लोग पूछती भी नहीं हो सरमाना नहीं है शिक्षक के पास न सरमाना है ना गरमाना है गरमाना भी नहीं है डॉक्टर मास्टर भी गरमाइएगा डॉक्टर भी गरमाएगा तो नहीं सुई भोग देगा रिएक्शन हो जाएगा और टीचर भी अनहरी नॉलेज डाल देगा दिमाग में आपको बिना कॉन्सेप्ट का तो वहाँ भी आपका ही जो है गड़बड़ाने लगता है। सवाल खड़ा होकर बोलिए जरा 20वां सवाल लड़की खड़ा होकर बोलो ठीक ही नहीं है बोलो अवकाश ऐसे बोलो हिंदी में है हिंदी में कोई बोल बोल बोलो क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स हाँ छूट जाएगा गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस फाइव द्वारा परिभाषित फलन हाँ एक्स इक्वल टू फाइव पर शांत है सतत है शांत है नहीं सतत है सतत मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस बैठ जाइए सतत का हिंदी इंग्लिश क्या होता है जी कंटिन्यूअस है कह रहा है क्या एक्स इक्वल टू फाइव पर ही कंटिन्यूअस है जो सवाल बना लिया है दो लड़के खड़ा हो जाएंगे बाबू पांडे जी कहाँ से कराची से और दीपक जी कहाँ से कहाँ खड़ा दीपक जी आपका लालगढ़ बिहार प्रॉब्लम बताएंगे अगर सवाल जब बनाएंगे तो जरूर आप लोग को याद होगा क्योंकि उसमें इस्तेमाल होगा। आप बताइएगा डियर कि साइन एक्स फाइव प्लस थीटा मतलब साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है? आप डायरेक्ट से कर लीजिएगा डायरेक्ट कर देंगे तो जब डायरेक्ट से दूर जताएंगे तो इतना बार देखा ताकि मड़वा वेरी डिजिटल क्या होता है मतलब कि दोनों तरफ के परिवारों को पैसा खर्चा होता है क्या छुट्टी बोलो गलत बोल रहे बोलो कुछ ना कुछ तो कारण है कुछ शुभ चीज है डीडी नहीं डायरेक्ट डालेंगे नहीं होता कितना है जी माइनस साइन थीटा कितना होता है लेकिन सवाल बनाना बहादुरी नहीं है किसी प्रकार से सवाल को अच्छे तरह से बनाना बहादुरी है प्रोसेस वाइज बनाना बहादुरी है जिंदगी जीना बहादुरी नहीं है कोई भी जी लेता है लेकिन मुस्कुरा करके दूसरे को हंसा करके जिंदगी जीना एक अलग कला है। आप बताइए दीपक जी साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? यस राइट
फिर बताइएगा आप पांडे जी, क्योंकि आप लोग खड़ा कर बोले साइन पाई का मान कितना होता है, तो साइन वन एंड डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन वन एंड डिग्री जीरो होता है। तो हालांकि इतने तीनों फॉर्मूला का जरूरत है इसमें, लेकिन कॉस का लिख ही दे रहे हैं। तो कॉस पाई, कोई लड़का बताओ कॉस पाई का मान, कॉस वन एंड डिग्री माइनस वन। कोरोना में हम लोग बीमार ग्रसित हो गए हैं, पूरा बीमार में चल गए हैं, और टेन एक्स वन से जीरो। इन सारे नियम कानून कायदों से और मैथ के फायदों से यदि आप रूबरू होना चाहते हैं तो आइए सवाल देखते हैं हम लोग। बैठ जाइए पंडित जी, दीपक जी 18 नंबर क्या है, गौर से देखें आप 18 नंबर क्या है। तो 18 नंबर आपका सवाल है जी एक्स पाई पर, 20 नंबर है एक्स इक्वल टू पाई पर गिवन फंक्शन क्या होगा आप जान रहे हैं, क्या होगा गिवन फंक्शन बोलो। गिवन फंक्शन होगा डियर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स। एनी प्रॉब्लम बाबू, दिक्कत है नहीं? आर एक्स लिमिट निकालेंगे, एक का प्रोसेसर बना देते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, फॉर्मूला सब सामान सामने है। आर एक्स लिमिट लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, पाई है नीचे रखाएंगे, प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ पाई प्लस एच। यानी जी देखा प्रॉब्लम अब इसके बाद पूछेंगे भैया क्या है, ये बोला है कि देखिए टेंशन मत लीजिए, एफ एक्स है ना, एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए जी, यहाँ एफ एक्स की जगह पर क्या है पाई प्लस एच, हो जाएगा पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस पाई और यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो डाल देंगे, हो जाएगा आपको पाई प्लस जीरो का स्क्वायर, लेकिन अभी मत डालना कुछ क्या बाकी है, नो पाई साइन वन एंड डिग्री प्लस थीटा है जो माइनस माइनस बहुत सारे इसमें। तो अब देखिएगा होगा क्या, साइन का तो बना दीजिए, कॉस का था तो दिक्कत हो जाता, इसलिए वैसा नियम चलेंगे सब बन जाए, इसलिए तुम्हें लगाइए साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस कितना हुआ प्लस। ओके अब आगे देखिएगा क्या होगा हमारा, अब जहाँ जहाँ एच है जीरो डाल दीजिए, लगा पाई प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस साइन जीरो प्लस पाई, पाई प्लस जीरो मीन्स पाई, पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, साइन जीरो का वैल्यू जीरो प्लस फाइव इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस। इस तरह से जब आप एल एच निकालेंगे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या लिखिएगा माइनस लिखिएगा, यहाँ पाई माइनस एच होगा तो यहाँ पाई माइनस एच होगा, यहाँ पाई माइनस एच होगा साइन पाई माइनस एच के फॉर्मूला लगा हुआ नहीं लगा हुआ तो बना लीजिएगा कि मतलब इसको इस तरह से प्रोसेस कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, तब तक इसको आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा फिर राइट डाउट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या हो रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तीन क्वेश्चन है, एक साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, एक साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, एक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तीन क्वेश्चन है। तो हम पहला बताते हैं, इसके बाद फिर एक और बता देंगे, या ऐसा रास्ता चलते हैं कि तीनों बन जाए। देखिएगा फर्स्ट 21 का फर्स्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, सेकेंड इज योर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और थर्ड इज योर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। आप एक तीर से दो निशाने तो सुने होंगे, लेकिन आज मैं एक तीर से तीन निशाने कर रहा हूँ, मतलब एक ऐसे रास्ते से इसको बनाऊंगा कि इसी में उलट फिर करके मैं तीनों बना दूंगा, बस आप लिख के चले जाओ, मेरे दिमाग में लिख लीजिए इसको। Here, my dear, since there is no given point, so we first let
एट एक्स इक्वल टू ए, कोई भी पॉइंट मानेंगे हम लोग दियर ओके को रही है तकलीफ हो रही है सर ना नो सर ना बोलिएगा तकलीफ हो रही है तो भी ऐसे बोल देते नो नाउ डियर लेट अस चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए चलेंगे हम लोग आगे आइए देखते हैं मान लेंगे सर बिना माने तो काम चलेगा नहीं ये कुछ नहीं है तो मानने पड़ेगा ना शुरुआत में जब आप जन्म लिए थे क्या नाम हुआ आपका सुशील नाम मान लिया गया कि आपका नाम सुशील है अगर आपका नाम मान लीजिए मोहन होता तो थोड़े खजवाने लगता तो कुछ तो मानने पड़ेंगे डियर चले गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा बोलिए आप बढ़िया से देखना क्योंकि इसी रास्ते से तीन गाड़ियों को पार करना है आपको इसलिए पहला बार बढ़िया से रास्ता देखना पड़ेगा ओके पूछेंगे क्या करें f x है तो sin x plus cos x है sin x मतलब plus cos x एक जीरो डालोगे साइन ए प्लस जीरो साइन ए यहाँ जीरो कॉस ए सिर्फ देखते चले सोचते चले समझते चले आगे भी सोचते चले कि आगे क्या होने वाला है आगे क्या होने वाला है प्लस की जगह पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एक्स साइन एक्स मतलब कितना ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स इसमें भी एक्स जगह पर जीरो डालोगे ए प्लस जीरो जब ये होता है ए माइनस जीरो भी तो यही होगा जी दीपक जी हाँ सर तबियत खराब करने कोई परेशानी तो नहीं हो रही है आपको बहुत अच्छा बात हम उस पैसे तो हो ही गए पहले वाला फंक्शन एफ ए एफ ए साइन ए प्लस कॉस ए इन्हें इक्वल आया यस सर देखना सेंस आर एच एल एल एच एल वैल्यू ऑफ फंक्शन सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए हो गया जितना जल्दी हो सके इसको नोट डाउन दीजिए ताकि मैं दूसरा बता सकूं लेकिन दो मिनट टूट जाइए मैंने वादा किया है कि पहला दूसरा दोनों एक ही में हो जाएगा और तीसरा भी इसी में हो जाएगा दूसरा क्या था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस वन तो प्लस को हटा करके और माइनस लिख दीजिएगा तो यहाँ पर जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखे थे यहाँ इस तरह आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ये दोनों एक ही में हो रहा है अगर गड़बड़ हो रहा है दोनों एक में तो बोलिए हम नहीं करेंगे पहला जब उतारोगे खाली प्लस का बता देना दूसरा जब उतारोगे फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों में बना देंगे में दूसरा बनाओगे तो यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यहाँ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस कॉस ए प्लस एच यहाँ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ भी प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ भी हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस फर्स्ट सेकंड दोनों हो गया इसको नोट डाउन कीजिए इसके बाद तीसरा भी मैं इसी बनाऊंगा जल्दी से नोट करिए इसका लाउड फर्स्ट सेकंड हो गया लेकिन देख ही रहे हैं लेकिन मैंने वादा किया था आपसे कि सर प्लस माइनस में तीनों एक में बनाऊंगा प्लस रहेगा तो
टोटल प्लस रहेगा, यहाँ आंसर आएगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। माइनस वाला जब सेकंड में आएंगे तो प्लस हटा देंगे तो आंसर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। जब इनटू रहेगा तो दोनों हटा देंगे, मान लीजिए ये तीसरा सवाल आ रहा है। ये थर्ड प्रॉब्लम है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ तक तो वही लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एनी प्रॉब्लम? जब एलिप्स निकालेंगे तो यहाँ तक तो वही रहेगा, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जब इसको बनाएंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज एल एच एल आर एच एल एन वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस विद एक्स इक्वल टू ए, एनी प्रॉब्लम? मेरे कहने का मतलब हुआ डियर कि आप 21 को धुआं उड़ा सकते हैं यदि आपके अंदर पेट्रोल, पेट्रोल मतलब ज्ञान का पेट्रोल, अब पेट्रोल नहीं है तो धुआं नहीं उड़ेगा, उड़ेगा? सवाल को धुआं उड़ाने के लिए फॉर्मूला रूप पेट्रोल चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से इसको लिखना पड़ेगा, कर लोगे? ग्रेड कर दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20 कौन हुआ आपके लिए? 21 छह बन जाएगा आपसे, एक 3 मिनट लगेगा मात्र, कैसे कहेगा जो बोलो लेट हो जाता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में।